भोलेनाथ और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ पूरा भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगाकर श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। अब श्रवण करें कथा। एक बार पार्वती माता भगवान शिव शंकर के साथ पद यात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकली। विश्व में अनेक स्थान घूमने के बाद पार्वती माता थक गई और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदल कर लेट गए, लेकिन पार्वती माता की निगाहें उन चींटियों की कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी। और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा हुआ था एक रेगने वाला कीड़ा जिसे चींटियां निरंतर काट रही थी। कीड़ा अपनी रक्षा में असमर्थ था क्योंकि चींटियां अनेक थे। कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था, वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। पार्वती माता यह दृश्य देख दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो पार्वती माता ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने पार्वती माता को समझाया कि इस पर अपना ध्यान मत दो, यह किसी पीड़ा में नहीं अपितु अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहाँ से कहीं दूर स्थान पर चलने को कहा ताकि उनका ध्यान वहाँ से हट सके, लेकिन माता पार्वती ने भी हट कर रखी थी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अब भगवान शिव को त्रिया हट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ, अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ करे तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसका कष्ट तो मिटाइए। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा चींटियों को उसकी प्रजा और उनके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दिया जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया था तब भगवान शिव ने राजा से कहा, भाई अब तू अपना राजपाट संभाल, हम चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और एक चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव को यह कहकर अपमानित किया कि तू एक योगी बन 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 भटकने वाला एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की जिसे ना अपने आज का पता है ना कल का। अब मेरी बात सुन, यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपवती मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे खूब समझाने की कोशिश की लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, हे स्वामी, मुझे इस दुविधा में छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर यह कुछ गड़बड़ करता है तो मुझे दोष मत दीजिएगा। माता पार्वती, हे नाथ, मुझे क्षमा करें, जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी,
अब मैं समझ गई, यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान प्रसन्न हुए कि चाहे पार्वती ने जिद करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब यह कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां पहले जैसी कर दी। राजा को वही कीड़ा और प्रजा को वही चिटिया बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती भी राजी राजी भगवान शिव के साथ अपना भ्रमण पुनः प्रारंभ करने के लिए चल पड़ी। तो प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। तो आइए श्रवण करें एक अन्य कथा। श्री पुराण के अनुसार प्राचीन काल में शिलाद नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उनको नंदी के रूप में पुत्र दिया था। एक बार शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो संत आए थे, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा था। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं दिया। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। अपनी परेशानी को उन्होंने संतों से बात का कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, नंदी अल्प आयु है। यह सुनकर मानो शिलाद ऋषि बहुत परेशान हो गए। ऋषि बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों है पिताजी? शिलाद ऋषि नंदी की उन संतों की कही हुई बातों को बता दिया। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह बहुत जोर से हंसने लगे और बोले, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है, इसलिए आप परेशान ना हो। नंदी पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिव जी ने कहा कि क्या इच्छा है तुम्हारी वत्स? नंदी ने कहा, मैं ताउम्र सिद्ध आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। नंदी से खुश होकर शिव जी ने नंदी को गले लगा लिया। शिव जी ने नंदी को बैल का रूप में देखकर उन्हें अपना वाहन, अपना मित्र, अपने गणों से सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद ही शिव जी के मंदिर के बाद से नंदी के बैल रूप को स्थापित किया जाने लगा। तब से लेकर आज तक जहाँ जहाँ शिव जी मौजूद रहते हैं वहाँ नंदी की उपस्थिति अनिवार्य है। तो प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय, नंदी बाबा की जय। बहुत पहले की बात है, जब भगवान शिव के पास कोई वाहन नहीं था, वो पैदल ही जंगल पर्वत की यात्रा करते थे। एक दिन माँ पार्वती उनसे बोली, आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? इस पर भोलेनाथ ने हंसते हुए कहा कि देवी, हम तो रमते जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना, भला साधु भी कभी सवारी करते हैं? इसके जवाब में माँ पार्वती ने दुखी होकर कहा कि जब आप शरीर पर भस्म लगाकर बालों की जटा बांधकर नंगे पाव कांटे भरे पथ पे चलते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए एक वाहन रख लेना चाहिए। शिव जी ने उन्हें बार बार समझाया, परंतु वह अपनी जिद पर अड़ी रही। वह हर हालत में शिव जी के लिए सवारी चाहती थी। अंततः भोलेनाथ मान गए। अब प्रश्न यह था कि किसे अपना वाहन बनाया जाए। उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि ने सभी देवों तक उनका संदेश पहुंचाया। अन्य देवताओं को चिंता सताने लगी,
कि कहीं भगवान शिव उनके वाहन को न ले ले, इसलिए वे कोई न कोई बहाना बनाकर अपने महलों में बैठे रहे। माता पार्वती परेशान थी। भगवान शिव ने जब देखा कि कोई देवता नहीं पहुँचे तो उन्होंने एक हुंकार लगाई। इस पर जंगल के सभी पशु पंछी आ पहुँचे। भोलेनाथ ने उनसे कहा कि देवी पार्वती चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए, तुम में से मेरा वाहन कौन बनना चाहता है? लगभग सभी पशु पंछी तैयार हो गए, वे खुशी से झूमने लगे। सबसे पहले छोटा सा खरगोश खुदक कर आगे बढ़ा और उसने कहा कि प्रभु मुझे अपना वाहन बना लीजिए, मैं बहुत मुलायम हूँ। इस पर सभी खिलखिला कर हंसने लगे। इस बात से शेर ने गुहारते हुए कहा कि खरगोश, मेरे होते तेरी सामने आकर बोलने की हिम्मत कैसे हुई? डरकर खरगोश चुपचाप कोने में डुबक गया। शेर ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना लीजिए। शेर की बात समाप्त होने से ही पहले हाथी बीच में बोल पड़ा, मेरे अलावा और कोई इस काम के लिए ठीक नहीं है प्रभु, मैं गर्मी के मौसम में अपने सुर में पानी भरकर महादेव को नहलाऊंगा। इसी तरह अन्य पशु पंछी भी अपना अपना पक्ष रखने लगे और अपना अपना दावा जताने लगे। भगवान शंकर भोलेनाथ ने सबको शांत करते हुए कहा कि कुछ ही दिनों के बाद तुम सभी में से एक चीज मांगूंगा, जो मुझे वह ला देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी बैल भी वहीं खड़ा था। उस दिन के बाद से वह छिप छिप कर शिव पार्वती की बातें सुनने लगा। वह घंटों भूख प्यास की परवाह किए बिना वह छिपा रहता था। एक दिन उसे पता चल गया भोलेनाथ बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियां मांगेंगे, इसलिए नंदी ने पहले से ही सूखी लकड़ियां एकत्रित कर ली। बरसात का मौसम आया, सारा जंगल पानी से भर गया। ऐसे में भगवान शिव ने पशु पंछियों से सूखी लकड़ियां मांगी। इस पर वे सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, परंतु नंदी बैल बहुत सी लकड़ियां के गट्टर लेकर आ गया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। मन ही मन वे जानते थे कि बैल ने उनकी बातें सुनी है, फिर भी उन्होंने नंदी बैल को ही अपना वाहन चुन लिया। इस तरह नंदी तब से भगवान भोलेनाथ का वाहन बन गया। भगवान भोलेनाथ के मंदिर के प्रांगण में नंदी विराजमान होते हैं। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपने पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को जो उस गांव से भिक्षा मिलती थी उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी, मैं आपके साथ भूखी प्यासे रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ प्रिय, लेकिन भाग्य का लेख को विधाता भी नहीं बदल सकता, हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। ब्राह्मणी बोली, भाग्य के भरोसे बैठा रहना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है, अगर इंसान कोशिश करे तो वह कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। आप कहीं परदेश में जाइए, मुझे विश्वास है कि आप वहाँ अच्छी आय करेंगे और हमारा भाग्य बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी बात तर्क संगत है प्रिय, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताइन के सिवा कोई काम नहीं आता। ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव में आपकी पंडिताई की कोई कदर नहीं है, किसी दूसरे या नगर में आपकी पंडिताई चल निकले तो हमारे बुरे दिन फिर जाएंगे। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुंच गया। उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा था। नगर में उसे कोई टके शेर पूछने वाला भी नहीं था। हालातों को देखते हुए वह सोचने लगा कि इस नगर से उसका गांव ही अच्छा है, नगरवासी तो पूरे नास्तिक है, उसे भिक्षा तक भी देने को तैयार नहीं है।
यह सोचकर वह थक हार कर अपने गांव लौट आया। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव और माता पार्वती साथ गुजर रहे थे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालत देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए कहा, भगवान आप उस ब्राह्मण को देख रहे हैं? भगवान बोले, हाँ वह बहुत निर्धन है और दुखी भी है। पार्वती बोली, आप उसके दुख का निवारण करें नाथ। एक तो ब्राह्मण, दूसरे दरिद्र, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। भगवान शिव बोले, यह मृत्यु लोक है प्रिय, यहाँ हर प्राणी किसी न किसी दुख से त्रस्त है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तुम किस किस का दुख दूर कराओगी? पार्वती बोली, आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना होगा स्वामी। भगवान शिव बोले, वह भाग्यहीन है पार्वती, उसके भाग्य में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन ही लिखा है। मगर पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में हारकर शिव को पार्वती की बात माननी पड़ी। उन्होंने उस रास्ते में, जिस रास्ते से ब्राह्मण जा रहा था, सोने की एक ईंट डाल दी। अचानक ब्राह्मण को क्या सूझा, उसने सोचा कि वह आंखें बंद करके कितनी दूर तक चल सकता है। यह सोचकर वह अपनी आंखें बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट के बिल्कुल समीप से होकर आगे गुजर गया। काफी दूर आगे जाने के बाद ही उसने अपनी आंखें खोली। यह देख भगवान से मुस्कुराते हुए बोले, हमने तुमसे कहा था ना प्रिय कि वह ब्राह्मण भाग्यहीन है, भाग्यहीन मनुष्य कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत लौट गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पार्वती जी उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। वह किसी न किसी तरह उस ब्राह्मण को देखना चाहती थी। पार्वती को उदास देखकर भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है प्रिय, इतना उदास क्यों हो? पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्य का है, उनमें आप किसी एक को धनवान बना दीजिए, ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता मिट जाएगी। आप उन 3 को एक एक वर दे, मुझे उम्मीद है कि वे 3 आपसे दौलत का वर ही मांगेंगे, इस तरह वे धनवान बन जाएंगे। भगवान शिव बोले, ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और फिर कुछ दिनों बाद भगवान शिव पार्वती के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे। साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार आत्मा विभोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के चरण स्पर्श किए। शिव भगवान बोले, मैं तुम 3 को एक एक वर देना चाहता हूँ, तुम 3 अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी उतावली होते हुए बोली, पहले मुझे वर दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या चाहती हो? काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए, मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मण एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उनके घर के सामने से एक गांव के जमींदार का पुत्र गुजर रहा था, जो घोड़े पर सवार था। उसने खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो उस पर मुग्ध हो उठा। वह इस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करेगा, यह सोचकर उसने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और घोड़ा अपनी हवेली की तरफ ले दौड़ा। यह देख ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए बिलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी। भगवान शिव ने कहा, रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे कोई वर मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। भगवान शिव सत्वावना देते हुए बोले, मेरी पत्नी को वापस बुला लीजिए प्रभु, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने निवेदन करते हुए कहा। भगवान शिव बोले, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मणी वहां खड़ी थी। अपनी पत्नी को अपने सामने देखकर ब्राह्मण राहत की सांस ली।
भगवान शिव ने ब्राह्मण के पुत्र से कहा, तुम क्या वर मांगना चाहते हो बेटा? ब्राह्मण पुत्र ने काफी सोचने समझने के बाद कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे माँ को पहले जैसे बूढ़ी बना दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान शिव ने कहा और अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर पार्वती ने अपने माथा पीट लिया। सोचने लगी कि तीनों ही वास्तव में ही भाग्यहीन हैं। विधि ने उनके भाग्य में जो लिख दिया है उसे देवी देवता भी नहीं बदल सकते। प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल में नंदी नामक वैश्या अपनी नगरी के एक धनी मानी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। वे बड़े सदाचारी और वर्णाश्रमोचित धर्म का दृढ़ता से पालन करते थे। प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने का तो उन्होंने नियम ही ले रखा था। जिस मंदिर में नंदी वैश्य पूजा करते थे वह बस्ती से कुछ दूर जंगल में था। एक दिन की बात है कि कोई किरात शिकार खेलता हुआ उधर से निकला। वह प्राणियों की हिंसा करता था। उसकी बुद्धि जट प्राय थी, उसमें विवेक का लेश भी नहीं था। दोपहर का समय था, वह भूख प्यासे व्याकुल हो रहा था। मंदिर के पास आकर वहाँ के सरोवर में उसने स्नान किया और जलपान करके अपनी प्यास बुझाई। जब वह वहाँ से लौटने लगा तब उसकी दृष्टि मंदिर पर पड़ी और उसके मन में यह इच्छा हुई कि मंदिर में चलकर भगवान का दर्शन कर लूं। उसने मंदिर में जाकर भगवान शिव का दर्शन किया और अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी पूजा की। उसने कैसी पूजा की होगी इसका अनुमान सहज ही लग सकता है। ना उसके पास पूजा की सामग्री थी और ना वह उसे जानता ही था कि सामग्री का उपयोग किस विधि से किया जाता है। यह जानने की भी उसे आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई कि उसने देखा कि लोगों ने स्नान कराकर बेलपत्र आदि चढ़ाए हैं। उसने एक हाथ से बेलपत्र तोड़ा, दूसरे हाथ में मांस पहले से ही था। गंडूस जल से स्नान कराकर उसने बेलपत्र और मांस चढ़ा दिया। भील मांस भोजी था, उसको इस बात का पता नहीं था कि देवता को मांस नहीं चढ़ाना चाहिए। यही काम यदि कोई जानबूझकर करे तो वह दोष का भागी होता है, परंतु उसने तो भाव से अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार पूजा की थी। बड़ा आनंद आया उसे। प्रेम मुक्त होकर वह शिवलिंग के सम्मुख साष्टांग दंडवत करने लगा। उसने धृढ़ता से यह निश्चय किया कि आज से मैं प्रतिदिन भगवान शिव का पूजा करूँगा। उसका यह निश्चय अभिचल था क्योंकि यह उसके गंभीर स्थल की प्रेरणा थी। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्या पूजा करने आए। मंदिर की स्थिति देखकर वे अवाक रह गए। कल की पूजा इधर उधर बिखरी पड़ी थी, मांस के टुकड़े भी इधर उधर पड़े थे। उन्होंने सोचा, यह क्या हुआ, मेरी पूजा में ही कोई त्रुटि हुई होगी जिसका यह फल है। इस प्रकार मंदिर को भ्रष्ट करने वाला विघ्न तो कभी नहीं हुआ था, अब सही मेरा दुर्भाग्य है। यही सब सोचते हुए उसने मंदिर की सफाई किया और पुनः स्नान आदि करके भगवान की पूजन की। घर लौटकर उन्होंने पुरोहित से सारा समाचार कह सुनाया और बड़ी चिंता प्रकट हुई। पुरोहित को क्या पता था कि इस काम में भी किसी की भक्ति भाव से हो सकता है। उन्होंने कहा, अब सही यह किसी मूर्ख का काम है, नहीं तो रत्नों को इधर उधर बिखेर कर भला कोई मंदिर को अपवित्र एवं भ्रष्ट क्यों करता। चलो कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि कौन दुष्ट ऐसा काम करता है। अगले दिन प्रातः काल नंदी वैश्या अपने पुरोहित के साथ लेकर शिव मंदिर पहुंच गए। देखा वही हालत आज भी थी जो कल थी। वहां मार्जन आदि करके नंदी ने शिव जी की पूजा पचोपचार पूजा की और रुद्राभिषेक किया। ब्राह्मण स्तुति पाठ करने लगे।
वेद मंत्रों की ध्वनि से वह जंगल गूंज उठा। सबकी आंखें लगी हुई थी कि देखो मंदिर को भ्रष्ट करने वाला कब किधर से आता है। दोपहर के समय की रात आया, उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी, हाथों में धनुष बांध लिए। भगवान शिव की कुछ ऐसे ही लीला थी कि किरात को देखकर सब के सब डर गए और एक कोने में जा छिपे। उनके देखते देखते किरात ने उनकी की हुई पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी। एक गडूस जल से स्नान कराकर बेलपत्र और मांस चढ़ाया। जब वह साष्टांग प्रणाम करके चला गया, तब नंदी वैश्या और ब्राह्मणों की जी में जी आया और सब बस्ती में लौट आए। नंदी को व्यवस्था मिली कि उस लिंग मूर्ति को ही अपने घर ले जाना चाहिए। व्यवस्था के अनुसार शिवलिंग वहां से उखाड़ लाया गया और नंदी वैश्या के घर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की गई। उनके घर सोने और मणि रत्नों की कमी तो थी ही नहीं, संकोच छोड़कर उनका उपयोग किया। प्रतिदिन नियम अनुसार किरात अपने समय पर भगवान शंकर की पूजा करने आया, परंतु मूर्ति को ना पाकर सोचने लगा, यह क्या, भगवान तो आज है ही नहीं। मंदिर का एक एक कोना छान डाला, एक एक छिद्र को उसने ध्यान पूर्वक देखा, परंतु सब व्यर्थ है, उसके भगवान उसे नहीं मिले। किरात की दृष्टि में वह मूर्ति नहीं थी, स्वयं भगवान थे। अपने प्राण के लिए वह भगवान की पूजा नहीं करता था, किंतु उसने अपने प्राणों को उन पर निछावर कर रखा था। अपने जीवन सर्वस्त्र प्रभु को न पाकर वह बिहल हो गया और बड़े आर्द स्वर में पुकारने लगा, महादेव मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए। प्रभु अब एक क्षण का विलंब सहन नहीं होता मेरे से, मेरे प्राण तड़प रहे हैं, यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो मैं जीकर क्या करूँगा। यह कहकर किरात ने अपने हाथ से अपने शरीर का सारा मांस काटकर उस स्थान पर रखा जहाँ पहले शिवलिंग था, क्योंकि अब उसने प्राण त्याग का निश्चय कर लिया था। किरात की तमन्नत्या देखकर शिव ने अपनी समाधि भंग की, वे उसके चर्म चछुओं के सामने प्रकट हो गए और बोले, महाप्राज्ञ वीर, मैं तुम्हारे भक्ति भाव प्रेम का ऋणी हूँ, तुम्हारे जो बड़े से बड़े अभिलाषा हो वह मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान की वाणी और संकल्प ने किरात को बाहर देखने के लिए विवश किया, परंतु जब उसने जाना कि मैं तो भीतर देख रहा था, वही बाहर भी है, तब तो उसकी प्रेम भक्ति पराकाष्ठा को पहुंच गई और वह सर्वाग्य से नमस्कार करता हुआ श्री भगवान के चरणों में लौट गया। भगवान के प्रेम पूर्वक उठाने पर और प्रेरणा करने पर उसने प्रार्थना की, भगवान मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा यह भाव सर्वदा बना रहे और मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े तुम्हारी सेवा में संलग्न रहूं। किरात की निष्काम प्रेम पूर्वक प्रार्थना सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सदा के लिए उसे अपना पार्षद बना लिया। उसे पार्षद रूप में प्राप्त करके भगवान शंकर को बड़ा आनंद हुआ और वे अपने उल्लास को प्रकट करने के लिए डमरू बजाने लगे। भगवान शंकर के डमरू के साथ ही तीनों लोकों में भेरी शंख मृदंग और नगारे बजने लगे, सर्वत्र जय जय की ध्वनि होने लगी। शिव भक्तों के चित्त में आनंद की बाढ़ आ गई। वह आनंद कोलाहल तत्क्षण नंदी वैश्या के घर पहुंच गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अविलंब वहां पहुंचे। किरात के भक्ति भाव और भगवत प्रसाद को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया और जो कुछ ज्ञान अज्ञान रूप मल था उनके चित्त की भगवान धन आदि से प्राप्त हो सकते हैं वह सब कुछ धुल गया। वे मुग्ध होकर किरात की स्तुति करने लगे, हे तपस्वी, तुम भगवान के परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, अब तुम ही मुझे भगवान के चरणों में अर्पित करो। नंदी की बात से किरात को बड़ी प्रसन्नता हुई, उसने तत्क्षण नंदी का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में उपस्थित किया। उस समय भोले बाबा सचमुच भोले बन गए,
उन्होंने किरात से पूछा, ये कौन सज्जन है? मेरे गनों में इन्हें लाने की क्या आवश्यकता थी? किरात ने कहा, प्रभु ये आपके सेवक है, प्रतिदिन रत्न मणिके से आपकी पूजा करते थे, आप इनको पहचानिए और स्वीकार कीजिए। शिव ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इनकी बहुत कम याद पड़ती है, तुम तो मेरे प्रेमी हो, सखा हो, परंतु ये कौन है? देखो भाई, जो निष्काम है, निष्कपट है और हृदय से मेरा स्मरण करते हैं, वे ही मुझे प्यारे हैं और मैं उन्हीं को पहचानता हूँ। किरात ने प्रार्थना की, भगवान मैं आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है, आपने मुझे स्वीकार किया और मैंने इसे, हम दोनों ही आपके पार्षद हैं। अब तो भगवान शिव को बोलने के लिए कोई स्थान ही नहीं था। भक्त की स्वीकृति भगवान की स्वीकृति से बढ़कर होती है। किरात के मुख से यह बात निकलते ही सारे संसार में फैल गई। लोग सत सत मुख से प्रशंसा करने लगे कि किरात ने नंदी वैश्य का उद्धार कर दिया। उसी समय बहुत से ज्योतिर्मय विमान वहां आ गए। भगवान शंकर का रुपया प्राप्त करके दोनों भक्त उनके साथ कैलाश गए और माँ पार्वती के द्वारा उत्कृत होकर वहीं निवास करने लगे। ये ही दोनों भक्त भगवान शंकर के गणों में नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार नंदी की भक्ति के द्वारा किरात की भक्ति को उत्तेजित करके और किरात की भक्ति के द्वारा नंदी की भक्ति को पूर्ण करके आशुतोष भगवान शिव ने दोनों को स्वरूप दान कर लिया और कृत्य कृत्य बनाया। तो सभी प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय। कथा को लाइक शेयर जरूर करें। भगवान आपकी और हमारी सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। धन्यवाद।